प्रयागराज में एक मुस्लिम युवक ने वैदिक रीति से धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। मुस्लिम युवक के हिंदू धर्म स्वीकार करने का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। झुंसी में गंगा तट पर स्थित कैलाश धाम आश्रम में चल रहे 201 कुंडली महायज्ञ में मुस्लिम युवक 25 वर्षीय सलीम अंसारी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और उसका नाम अब वेद व्रत आर्य रखा गया है। सलीम अंसारी ने ही से घर वापसी बताते हुए कहा है कि कई वर्षों से सनातन धर्म अपनाने की उसकी इच्छा पूरी हुई है। प्रयागराज के म्योराबाद में रहकर ई रिक्शा चलाने वाले सलीम अंसारी के वेद व्रत आर्य बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। सलीम अंसारी के मुताबिक वह मूल रूप से घूरपुर इलाके के सारंगपुर गांव का रहने वाला है। जब वह 5 साल का था तब उसके पिता वाजिद अली उसकी मां को अक्सर मारा पीटा करते थे, जिससे तंग आकर वह एक बार पुलिस के पास मदद के लिए भी गया था, लेकिन पुलिस ने भी मदद करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि यह परिवार का झगड़ा है और पड़ोसियों से मदद मांगो। इसके बाद सलीम अपने पड़ोसी ब्राह्मण परिवार के घर में गया, जहां पर लोगों ने उसकी मां को उसके पिता के जुल्म से बचाया। पड़ोसी हिंदू परिवार ने ही उसे और उसकी मां को खाना खिलाया। सलीम अंसारी के पिता का 10 साल पहले निधन हो चुका है और उसकी इकलौती बहन रोशन जहां की शादी हो गई है, जबकि सलीम अंसारी अभी अविवाहित है। धर्म बदलकर वेदव्रत आर्य बने सलीम अंसारी का कहना है कि वो बचपन से देखते आए हैं कि मुसलमानों के अंदर नम्रता और विनम्रता नहीं होती है, उनके अंदर सहिष्णुता नहीं होती है बल्कि क्रूरता होती है। मुसलमानों के अंदर सद्भावना और करुणा भी नहीं होती है। और वर्तमान में मेरा नाम वेदव्रत शुक्ल है। क्या वजह रही जो आपने हिंदू धर्म स्वीकार किया है मुस्लिम धर्म छोड़कर? इसकी वजह एक यह थी कि मुसलमान धर्म के जो लोग होते हैं उनके अंदर क्रूरता बहुत होती है, और उनके अंदर नम्रता नहीं होती है, उनके अंदर दया नहीं होती है, उनके अंदर शालीनता नहीं होती है, उनके अंदर करुणा नहीं होती है, उनके अंदर सद्भावना नहीं होती है, उनके अंदर शिष्टाचार नहीं होता है। मैं बहुत छोटा था, लगभग मेरी उम्र 5 या 6 वर्ष की रही होगी, तो मेरे पिताजी मेरी माताजी को बहुत मार रहे थे। वो अक्सर मेरी माताजी को मारा करते थे, वो छोटी छोटी बातों पर लेते, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए मारते थे। और मेरी माताजी बहुत सीधी थी, उनका मार सहन, लेकिन मुझे वो सीन मतलब मेरे दिमाग से अभी तक हटा नहीं। मैं भागता हुआ पुलिस चौकी की तरफ गया, दरोगा जी बैठे हुए थे, मैंने उनसे बोला साहब मेरे पिताजी मेरी माताजी को मार के चल के बचा लीजिए। दरोगा जी ने कहा बेटा मैं नहीं बचा सकता, ये घर का मामला है, जाइए पड़ोस में कोई बचा लेंगे। जब मैं वापस गया तो मेरे पड़ोस के में एक लेफ्ट और राइट में ब्राह्मण जी का परिवार रहता था, वो उन्होंने बचाया और उनको मतलब डांट के भगा दिया कि आप जाइए यहाँ से मेरे पिताजी को। उनके जाने के पश्चात उन्होंने मुझे मेरी माता जी को भोजन वगैरह कराया, तभी से मेरे हृदय में और मस्तिष्क में ये बस गया कि मैं सनातन धर्म की ओर मैं जाऊंगा, वेद पढ़ूंगा, और मैं तभी से मैं बचपन से ही मैं शिव बाबा की आराधना करने लगा। सलीम अंसारी के मुताबिक बचपन में ही वह सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हुए थे और वह भगवान शिव की आराधना भी करते थे। उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू बनने पर उन्हें अब कोई पछतावा नहीं है, बल्कि इस फैसले से वह बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मैं उस धर्म में आ गया हूँ जहाँ पर सत्य है, दया है, करुणा है। कोई पछतावा नहीं, किस बात का पछतावा है, मैं बिल्कुल हृदय से प्रसन्न हूँ, अंतरात्मा से प्रसन्न हूँ कि मैं परमात्मा के घर में आया हूँ, सच्चे दरबार में आया हूँ, जहाँ दया है, जहाँ करुणा है, जहाँ नम्रता है, जहाँ सत्यता है, जहाँ सही मार्ग, जहाँ सात्विक भोजन है, सब चीज यहाँ शुद्ध है, पवित्र है। सलीम अंसारी ने कहा है कि वेद व्रत आर्य बनाकर मैं अंतरात्मा से प्रसन्न हूँ क्योंकि अब मैं परमात्मा के घर में आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पवित्रता है, शुद्धता है और सात्विक भोजन है। उन्होंने कहा है कि मैं गर्व से कहूंगा कि मैं हिंदू हूँ, राष्ट्रभक्ति हूँ और गौ रक्षक हूँ। वेद व्रत आर्य बने सलीम अंसारी ने लोगों से अपील की है कि गौ हत्या करने वाले लोग गौ हत्या बंद कर दें। गर्व से कहूंगा, 200% मैं कहूंगा मैं हिंदू हूँ और समाजी हूँ। गर्व से कहेंगे? बिल्कुल गर्व से कहूंगा मैं हिंदू हूँ और समाजी हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं गौ माता के अच्छा करने वाला हूँ। जो समाज के असामाजिक आतत्व हैं, गौ माता की हत्या कर रहे हैं, मेरा उनसे अपील है रुक जाएं, गौ माता की मैं रक्षा करूंगा। वहीं सलीम अंसारी का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें हिंदू नाम देने वाले संत सुचिषद मुनि का कहना है कि मैं उनसे पूर्व में परिचित नहीं था, बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 220 जयंती के मौके पर स्वामी कृष्णानंद द्वारा आयोजित किए जा रहे 201 कुंडीय महायज्ञ को लेकर जो पत्रक वितरित किए गए थे उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं,
संत सुचिषद मुनि के मुताबिक वह पत्रक पढ़कर ही सलीम अंसारी ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद सलीम अंसारी को उन्होंने हर कसौटी पर कसा और उनके बारे में जांच पड़ताल की। सलीम अंसारी के दृढ़ निश्चय और सनातन धर्म के प्रति उनके अनुराग को देखते हुए उनके घर वापसी का फैसला लिया गया। धर्म परिवर्तन करने वाले संत के मुताबिक सलीम अंसारी ने उन्हें बताया था कि वह अहिंसक हैं और मांसाहार को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बल्कि शाकाहार को जीवन में अपनाते हैं। प्रशिक्षण में खरे उतरने पर वैदिक रीति से गंगा स्नान कराकर सलीम अंसारी का पहले शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार से यज्ञोपवीत संस्कार कर हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है। मैं इनसे पूर्व से परिचित नहीं था। हमारे अपने जो हमने पत्रक छापा हुआ था उसमें घोषणा की हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर वापस आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करें। वो पत्रक इन्होंने पढ़ा और हम लोगों से संपर्क किया। यहाँ आए तो हमने इन लोगों से बातचीत किया, क्या है, किस कारण से आना चाहते हो, बात क्या है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बड़ी क्रूरता होती है, उस धर्म में बड़ी हिंसा हमको प्रतीत होती है और मैं स्वभाव से अहिंसक हूँ। मैं किसी तरह का अभक्ष्य सेवन भी नहीं करता हूँ, मांसाहारी खाने का न मेरा समर्थन न मेरा मन है। लेकिन वहाँ जब मैं रहता हूँ तो मुझे सब जगह क्रूरता दृष्टिगोचर होती है और मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ संकुचित जगह में से। आप मुझे सहायता करें और आप मुझे निकालें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दो तीन दिन मेरे पास आओ, हम तुम्हारा परीक्षण करेंगे। ये यहाँ आया, दो तीन दिन हमारे यज्ञ में सम्मिलित हुआ, हमने इसका आचरण देखा, व्यवस्था देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि व्यक्ति श्रद्धालु और ठीक ठाक है। फिर हमने इसको विधिवत वैदिक संस्कार के आधार पर वेद मंत्रों के साथ गंगा जल के स्नान के साथ हमने इनको अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में इनको घर वापसी करवा लिया है। अब क्या नाम है सर? पहले क्या नाम था? क्या नाम? पहले इसका नाम सलीम अंसारी था। जो मेरे पास उन्होंने कागज दिया है, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट, अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसमें सलीम अंसारी थे। अब हमने इसका नाम वेदव्रत आर्य रख दिया। मुसलमान से धर्म परिवर्तन कर अब वेदव्रत आर्य बन चुके सलीम अंसारी का कहना है कि अब वो आगे का जीवन अपने गुरुदेव की इच्छा से तय करेंगे। फिलहाल उनके गुरु ने उन्हें वेदों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा है।